नमस्कार, मैं निशा यादव, आप देख रहे हैं स्टार सवेरा। दोस्तों, हम सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, लेकिन इनके पास ना ही लाठी है और ना ही भैंस है। इसी कारण आज इनकी कोई प्रशासन ना कोई नेता सुध ले रहा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ दिल्ली के नाहरपुर गाँव के दलित समाज की, जहाँ DDA द्वारा अम्बेडकर पार्क पर कब्जा करने की पुरजोर साजिश नजर आ रही है। जहाँ हमारे संपादक बलवान सिंह ने गांव के लोगों से खुलकर बातचीत की, आओ सुने उन्हीं की जुबान। सबसे पहले तो मैं स्टार सवेरा चैनल का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो लगातार पिछले कई महीने से डॉक्टर अंबेडकर पार्क के अंदर जो DDA और स्थानीय विधायक की मिली भगत से जो प्लॉटिंग कर इस पार्क को और इस जमीन को हथियाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसकी आवाज के खिलाफ सच्चाई को देश की जनता तक, देश की सरकार तक और इस गांव की हक की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। देखिए, मैं नाहरपुर गांव विकास समिति का अध्यक्ष हूं और मैं भी इसी गांव में पला पड़ा हूं और ये मेरी कर्म भूमि और जन्म भूमि भी है। इस गाँव की जब जमीन को DDA ने लिया था तो 2 रुपए गज में लिया था 40 वर्ष पहले, और जब ये वादा किया था कि गांव को मूलभूत सुविधाएं दी जाएगी, जैसे पार्क हो, पार्किंग हो और बच्चों के लिए जिम की व्यवस्था हो, खेल कूद के लिए पार्क की व्यवस्था होगी, लेकिन आज 40 वर्ष से ज्यादा हो गई, ना ही स्थानीय विधायक, ना ही स्थानीय सांसद ने, ना ही निगम पार्षद, ना ही दिल्ली सरकार, ना केंद्र सरकार ने अब तक इस नाहरपुर गाँव के चारों तरफ जो ग्राम सभा की लाल डोरे की जमीन थी, उस जमीन के अंदर जो है DDA ने और स्थानीय विधायक और कई और नेता की मिली भगत से, इसमें कई अधिकारी DDA के भी मिले हुए हैं, नगर निगम के भी मिले हुए हैं, इन्होंने धोखे से इस ग्राम सभा की जमीन को DDA के साथ मिलकर इसमें प्लॉटिंग कर दी गई है। और आज हम जिस पार्क में खड़े हुए हैं, जो देश के संविधान के निर्माता है, भारत रत्न है, देश ही नहीं पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है, बाबा साहब अंबेडकर के इस पार्क को हथियाने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जो दलित बस्ती है, इस दलित बस्ती में इन भाइयों ने, बहनों ने, बुजुर्गों ने मिलकर अपने पैसे से इस पार्क को संवारा है, पेड़ पौधे लगाए हैं, लगातार इस पर DDA प्लॉटिंग कर कब्जा करने का षड्यंत्र रच रहा है। हम लोगों ने अभी जस्ट एक नई RTI लगाई थी 1 तारीख को DDA के पास कि हमें डॉक्टर अंबेडकर पार्क का पूरी हिस्ट्री बताई जाए, ब्यौरा बताया जाए, तो DDA ने देखिए कितना संविधान का खिलवाड़ हो रहा है इस देश के अंदर। DDA लिख रही है कि ये डॉक्टर अंबेडकर पार्क की जमीन MCD के अंदर आती है, और मैं इतना जानता हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, ग्रेजुएशन हूँ, कि संविधान में जो अधिकार दिया गया है प्लॉटिंग कर कॉलोनी को काटने का, वो दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंदर है, जो DDA जिसको कहते हैं। अगर DDA कहता है कि ये MCD के अंदर है, तो MCD के पास तो पावर ही नहीं है इस पे प्लॉटिंग करने की, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार साफ साफ नजर आ रहा है। जो ये गांव के सभी माता बहन सभी आ रहे हैं कि जब MCD के पास पावर ही नहीं है प्लॉटिंग की, तो कैसे इसमें प्लॉटिंग हो गई, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है। इसमें स्थानीय विधायक भी, सांसद हो, निगम पार्षद हो, सब मिले हुए इसके अंदर DDA के अधिकारी। उससे पहले 17/9/2010 को मैंने अखिल भारतीय दोनसी महासभा के नाम से, मेरा ही नाम है विजेंद्र यादव, मैंने खुद पूरे गांव के लाल डोरे की जमीन की हिस्ट्री को पूछा था DDA से, MCD से, कि गांव के अंदर कितने पार्क हैं, कितनी इसमें पार्किंग है, कितना खेल कूद के लिए है। तो DDA ने मुझे लिखा है कि इस गांव के अंदर 6 पार्क है और जो दिल्ली नगर निगम को दिए जा चुके हैं उसकी रख रखाव के लिए। लेकिन आज तक हम गांव वासी सब यहाँ खड़े हुए 36 बिरादरी के लोग, आज ये बताइए, मैं DDA से और MCD से पूछना चाहता हूँ, आप RTI के जवाब में कहते हो कि DDA कहता है कि नगर निगम के अंदर है, और नगर निगम का भी ये हमारे पास जवाब है दिल्ली नगर निगम का, वो कहते हैं ये DDA के अंदर है। तो जब एक चीज बताइए, बाबा साहब ने संविधान बनाया और डिपार्टमेंट ही झूठ बोल रहे हैं, एक DDA को कह रहा है कि MCD के अंदर है, MCD कह रहा है कि DDA के अंदर है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस देश का एक नागरिक होने के नाते, इस गांव का एक नागरिक होने के नाते, मेरा अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो आप ये बैठकर डिसाइड कर लीजिए
कि इसमें पार्क कहाँ है, ये दिल्ली नगर निगम के अंडर है या डीडीए के अंडर है, इन दोनों जमीन किसकी? ये जमीन हमारे ग्राम सभा की जमीन है और इस जमीन में जहाँ हम खड़े हुए हैं, ये अम्बेडकर पार्क के नाम से, इस जमीन का दलित बस्ती के अंदर ये आती है और दलित भाइयों ने इसका एक भी मुआवजा नहीं उठाया, एक रुपया भी। तो जब मुआवजा नहीं उठाया तो इस पर डीडीए का हक नहीं है, ये बाबा साहब का संविधान बोलता है। ये आरटीआई लगी है, एक चार की, एक दो की लगी है, यही खुलासा ये करिए कि जमीन एमसीडी की है, तो डीडीए प्लॉटिंग कैसे कर रहा है? ये बिल्कुल इस आरटीआई से और 2010 की जो आरटीआई लगी है, इससे साफ नजर आता है कि ये कई हजार करोड़ का इस जमीन को हथिया कर अपने रिश्तेदारों को और अपने प्लॉट इसको काट कर डीडीए के अधिकारी, स्थानीय विधायक और कहीं ना कहीं और भी अधिकारी और नेता मिले हुए हैं, और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का ये एक गेम चल रहा है, जो गांव के लोग जागरूक हो चुके हैं और गांव के लोग जान चुके हैं कि ये जमीन जो है हमारी है, हमने मुआवजा नहीं उठाया। इसलिए मैं आज स्थानीय विधायक को भी और डीडीए का जो वाइस चांसलर है और डीडीए के जो चेयरमैन है, जो इस दिल्ली के उपराज्यपाल है अनिल बैजल जी, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आज मीडिया के माध्यम से, गांव के छत्तीस बिरादरी के लोग खड़े हुए हैं, इस गांव के अंदर आज 40 वर्ष से जमीन गई हुई है 2 रुपए की हमारे कोड़ियों के भाव में, आज गांव के अंदर एक भी पार्क नहीं है, गांव के अंदर एक भी पार्किंग नहीं है, 6 प्लॉट का जिक्र किया गया। डीडीए के चेयरमैन, ये दिल्ली के गवर्नर से पूछना चाहता हूँ, स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूँ, जब ये आपका डिपार्टमेंट लिख रहा है, आपकी दिल्ली नगर निगम लिख रही है, तो ये 6 पार्क सबसे पहले गांव के अंदर आप आइए और ये बताइए ये 6 पार्क कौन कौन से हैं, और इनको पार्क हमें दीजिए। आज कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, पर्यावरण खराब हो चुका है, गांव के लोग छोटे छोटे मकानों में रहते हैं दलित बस्ती के अंदर, या इन गांव वालों के लिए जो पार्क की व्यवस्था आपने हमारी जमीन लेकर वादा किया था वो पूरा क्यों नहीं हो रहा? क्यों हम एक रोड पार जाएंगे, हमारे बुजुर्ग नहीं जा सकते? इसलिए पहले तो मैं स्थानीय विधायक को कहना चाहता हूँ, हमारे 6 पार्क को डेवलप करके दीजिए, अगर डेवलप नहीं कर सकते तो हमें पार्क बताइए। हम जैसे डॉक्टर अम्बेडकर पार्क को हमने यहाँ पे सुधारा, इसमें पेड़ पौधा रोपण किया है, ऐसे ही हम उन 5 पार्कों में भी करेंगे, और उन पार्कों को हम जो है अपने गाँव के लोगों के लिए, छत्तीस बिरादरी के लिए, उसमें स्वास्थ्य के लिए उसको आप आगे हम बनाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो 13 तारीख को बहुसंख्यक समाज के ही नहीं, गांव के 36 बिरादरी के साथ साथ पूरे बाबा साहब के अनुयायी, जो 1 अरब से भी ज्यादा की संख्या में लोग, उनसे आह्वान किया जा रहा है कि वो 13 तारीख को सुबह 10 बजे से पहले बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में पहुंचकर, बाबा साहब ने जो हमें हक दिया उसके हक अधिकार को छीना जा रहा है, इस बाबा साहब अम्बेडकर की पार्क के अंदर प्लॉटिंग करके जमीन को हथियाना चाह रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति जो प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है इसको तोड़कर यहाँ बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े लोगों को यहाँ प्लॉटिंग कर गांव के लोगों को जीने पर मजबूर कर दिया गया, गांव के निकलने की भी जगह नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपने बहुसंख्यक समाज के लोगों को, बाबा साहब के अनुयायी को, 13 तारीख को जय भीम के नारे के साथ और बाबा साहब अम्बेडकर के पार्क को बचाने के लिए, अगर आप चाहते हो, बाबा साहब ने आपको कुछ दिया है, बोलने का अधिकार दिया, वोट डालने का हक दिया, बराबर का हक दिया है, तो आज आपको जरूरत है बाबा साहब के अम्बेडकर पार्क को बचाने के लिए, बाबा साहब की प्रतिमा को तोड़ने से रोकने के लिए 13 तारीख को आह्वान है, खासकर बहुजनों से, अपने बहुजनों एक होकर इस लड़ाई को लड़ो और आओ नाहरपुर सुबह 8-10 बजे से पहले, और जय भीम के नारों से पूरा ये गूंजेगा, नाहरपुर ही नहीं पूरी दिल्ली गूंजेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद विजेंद्र जी। आप लोग देख रहे हैं कितना रोष है यहाँ के ग्रामीण लोगों में, इसको आप समझे और इसका जवाब दो। मीडिया हमारी आवाज नहीं बताती, दबाती हमारी आवाज को, और आप 13 तारीख को, जैसे विजेंद्र भाई जी ने अभी बताया है, अभी भी आरटीआई का जवाब जो आया है एमसीडी के अंदर है, तो डीडी हमारे पर दबाव क्यों बना रही है? इसलिए हमने पूरे समाज, हमारे पूरे समाज ने कल बैठ के 13 तारीख को महान आंदोलन का प्रोग्राम क्यों किया है, ऐलान किया है महान आंदोलन का, हर मतलब राज्य से आदमी आएंगे और 36 बिरादरी के मतलब पूरे समाज से मेरी अपील है, हाथ जोड़ के 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पहुंचे और हमारा साथ और सहयोग दे बाबा साहब के पार्क के लिए और इस प्रतिमा का बचाने के लिए हमारा साथ दे। बहुत बहुत इस बात का मैं धन्यवाद देता हूँ पूरे समाज का, पूरा समाज आई इकट्ठा हो, आपसे मेरी अपील है ज्यादा से ज्यादा हमारी बातें आगे तक पहुँचाए ताकि हमारी आगे तक
हमारे पास। हमने इसमें बाबा साहब का अंबेडकर पार्क पहले सरकार ने हमें आश्वासन देकर छोड़ा गया था और इसमें हमने पेड़ पौधे लगाए। अब जो जो डीडीए कुछ अधिकारियों के मिलकर ये अब जो षड्यंत्र रच रही है, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसमें डीडीए के एक अधिकारी हैं सतीश बंसल, और हम आवाज देकर कहते हैं हमारी खून की नदियां बह जाएंगी, और भारत सरकार से कहते हैं अब बाबा साहब को क्यों बेवकूफ बना रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति रख कर हम दलित समिति के अनुयायी हैं। सतीश बंसल जी को इसमें सामने आ रहे हैं आपके नजर में? सतीश बंसल जी ने कहा मैं इसको खुलवाऊंगा। हाँ, किसी अधिकारी का मैं उसका नाम नहीं ले सकता जिसने इसके सामने कहा। हमने रिकॉर्डिंग नहीं करी, हम अपने किसी सहयोग के लिए गए थे और इसने कहा मैं बोला इसको मैं तो भी दूंगा, बोला आप इसका वो करे। अधिकारी ने ये कहा मेरे पास राजनीतिक दबाव है, मैं इसलिए पूछा, और उसने कहा तो इसको मैं खुलवा देता, और उसने दलित समाज के लिए कुछ ऐसे शब्द का प्रयोग किया, बंद कर दिया। तो 13 तारीख के लिए क्या कहना चाहोगे आप समाज? 13 तारीख को लिए हम जितने भी हमारे समाज है, हमारे आसपास के जितने भी समाज है, हम सबसे रिक्वेस्ट करें हमारे सहयोग में पूरा वो करें, और मैं भारत सरकार प्रधानमंत्री गृह मंत्री से ये कहता हूँ बाबा साहब को टारगेट बनाकर आप मौज मत लो, ये दलित समाज यहाँ बह जाएगा। अगर पुलिस समाज को भी आगे भाइयों को आगे लगाकर हमारे साथ कुछ कोशिश करी तो यहाँ मैं आपसे बता कौन रहेगा। मैं कप्तान सिंह झूठ नहीं बोल रहा, मैं अपनी जरूर चिता दड़ा दूंगा यहाँ पर।